देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे दलीय व्यवस्था के दोष यानी डीमेरिट्स ऑफ पार्टी सिस्टम। आज हम लोग उसका शेष जो भाग है दलीय व्यवस्था के दोषों के अंतर्गत, कि देखिए नैतिक पतन किसी भी राजनीतिक दल अगर वो जनता के हित में काम नहीं करता है और अगर उस राजनीतिक दल में बैठे हुए सत्ता में बैठे हुए लोग अगर नैतिकता का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो दलीय व्यवस्था का एक दोष कि यानी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के जितने भी जो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हो चाहे आम विधायक हो या लोकसभा सदस्य तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी हों उनको जनहित और लोक कल्याणकारी हित यानी जनता के हितों को देर किसी प्रकार का पक्षपात और भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो सदस्य खुद देखिए हमारे देश के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत से MLA MP पे भ्रष्टाचार के केस हैं, जेलों में रह रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो ये नैतिकता का जो पतन है अगर नैतिकता का सही मापदंड नहीं हो रहा है तो ये लोकतंतर के लिए और दलीय व्यवस्था के लिए घातक है। सभी का सहयोग करना चाहिए, सामंजस्य का दया प्रेम सहयोग सामंजस्य की भावना से लोकतंत्र के हित में काम करना चाहिए। अगर एक जन नेता या जिसको भी जनता ने चुना है जनप्रतिनिधि के रूप में अगर उसमें नैतिकता नहीं है और नैतिकता के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो दलीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा दोष है। मतभेदों को प्रोत्साहन, ठीक है, एक राजनीतिक दल सत्ता में है और दूसरा विपक्ष में, मतभेद हो सकते हैं आपस में राजनीतिक दल के सदस्यों में भी और विरोधी राजनीतिक दलों से किसी विषय के मामले में मतभेद होना राजनीति में कोई बुरी बात नहीं, परंतु उन मतभेदों के आधार पर अगर जनहित में कार्य नहीं किया जा रहा है और जनता के कार्यों की अवहेलना की जा रही है और केवल सरकार के कार्यों की आलोचना करना ही वो अपना अधिकार समझते हैं। देखिए, जब सरकार सत्तारूढ़ राजनीतिक दल अगर कोई सकारात्मक कार्य जनहित में कर रहा है तो उसमें उसको सहयोग करना चाहिए विपक्षी राजनीतिक दल। अगर वह ऐसा नहीं करके और केवल सांप्रदायिकता आधार पर या जातिवाद के आधार पर देश को एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं या बांटने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष और वैरभाव के आधार पर अगर कार्य कर रहे हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसे मतभेदों को बुला देना चाहिए और अगर उन मतभेदों में बढ़ोतरी हो रही है तो दलीय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी घातक। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जनहित में कार्य करना। सत्ता प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं, हर राजनीतिक दल का मुख्य दायित्व है कि वो सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन जनता के सामने रखता है, वादा करता है। अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर जनता से एक बार चुनाव में जीत भी गया झूठे वादों के आधार तो जनता दोबारा उसको सबक सिखा देगी। तो मतभेद होना बुरी बात नहीं है, परंतु उन मतभेदों के आधार पर लोक हितकारी और जनहितकारी कार्यों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, देखिए हम लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश की लोकतंत्रात्मक, केवल राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं, नौकरशाही में भ्रष्टाचार है। और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा किसी, आज भारत 75 साल के लगभग देश को स्वतंत्र है परंतु विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि भ्रष्टाचार एकदम, परंतु कम से कम भ्रष्टाचार, अगर राजनेता मंत्री विधायक MLA MP अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो जनहित के कामों का यहाँ कहेगा, यानी कि स्थानीय निकाय की एक छोटी सी ग्राम पंचायत होती उसमें ही लोग करोड़ों रुपए बहा देते हैं सरपंच या प्रधान या जिला प्रमुख बनने के लिए, इसी प्रकार एक MLA बनने के लिए जितना निर्वाचन आयोग द्वारा उनको टारगेट उससे कई अधिक गुना, इसमें शराब बांटी जा रही है, अन्य प्रलोभन दिए जा रहे हैं, तो ये दलीय व्यवस्था के लिए घातक है। और देखिए, कोई भी सदस्य अगर करोड़ों में या अरबों में अगर पैसे खर्च कर रहा है चुनाव के समय तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उतने ही वापस कमा जाए। अगर वो अपने हित के लिए चुनाव लड़ रहा है तो फिर उसमें जनहित की भावना कहीं नहीं रहती, इसलिए भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और दलीय व्यवस्था के लिए अगर जिस भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार है इसलिए आज हम लोग विकासशील विकसित हो ही नहीं पा रहे, बाकी दूसरे जो पश्चिम के राष्ट्र हैं उनमें इतने भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचार की सदा बहुत है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कितने से कितना बड़ा भ्रष्टाचार, उसकी जेल हो जाती है फिर जमानत पर छूट जाता है, इससे इस पर रोक नहीं लग रही। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा और भ्रष्टाचार
राजनीतिक दलों में ही नहीं देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में समाप्त नौकरशाही में खत्म होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं केवल और केवल भ्रष्टाचार राजनीति में ही है, दलों में ही है, और ऐसे ये नीचे से लेकर ऊपर तक छोटे से कर्मचारी ले से बड़े IAS ऑफिसर तक IPS ऑफिसर में भी इस प्रकार की समय और धन का कई बार क्या करते हैं राजनीतिक दल, बहुत अधिक धन और जनहित कार्यों के ओर ध्यान नहीं देकर अनावश्यक कार्यों में ध्यान देते हैं जो कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं ही नहीं। ऐसे मुद्दों पर ध्यान नहीं देकर किसी भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को लोक कल्याणकारी और जनहित कार्य में ध्यान देना चाहिए, न कि समय और धन का अपव्यय किया जाए। वो समय और वो धन जो जनता के लिए 5 साल के लिए जनता चुनके तो उस जनहित के कार्य करने चाहिए, लोक कल्याण कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य करने चाहिए, रोजगार संबंधी उपलब्ध करवाया जाए, महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। इस प्रकार के कार्य न करके केवल और केवल विपक्षी राजनीतिक सरकारी कार्यों का चाहे सरकार विपक्षी राजनीतिक दलों के उन्होंने ये नहीं किया ये, तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये समय समाप्त होनी चाहिए। दलीय व्यवस्था का ये बहुत बड़ा दोष है, ये चीज़ें उभर गई। केंद्रीकरण, देखिए राजनीतिक दलों में एक चीज़ ये है कि एक ही नेता अनेक समय तक उसका अध्यक्ष रह रहा है, पार्टी अध्यक्ष रह रहा है, ये वो तानाशाह के आधार पर 20-25 साल तक अगर शासन सत्ता में है तो निश्चित रूप से में एक निरंकुशता और तानाशाह की भावना उत्पन्न होती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण और राजनीति में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्थान इकाई तक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो ये थे दलीय व्यवस्था के कुछ दोष। तो दलीय व्यवस्था में मेरिट्स के आधार पर डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, और देखिए गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, और इस दलीय व्यवस्था के दोषों के बाद में जो अगला हम लोग जो टॉपिक लेते हैं इसी राजनीतिक दलों से। देखिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक धुरी है, बिना इसके किसी प्रकार की कोई कल्पना लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती।